We will be talking about change of state. ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट बेसिकली हमें पता है कितनी स्टेट्स है, 3. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इनकी क्या क्या खासियत हमें पता है? क्या आया, क्या डिफरेंस ध्यान में? यस सर. यस, क्या ध्यान में आ गया? सॉलिड के एटम क्लोजली बाउंडेड रहते हैं और लिक्विड के कंपैरेटिवली कम और गैसेस के भी कम. ओके, और क्या कहेंगे, डेफिनेट वॉल्यूम कितने लोगों को है? सॉलिड और लिक्विड. सॉलिड और लिक्विड. और डेफिनेट शेप किसको है? सॉलिड. क्या रीजन है इसके पीछे का, रीजन क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस. और ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर, क्या सही है? यस सर. ओके, बहुत बढ़िया. अगर ये सब चीजें हैं तो देखो, जब फेज चेंज होती है तो बेसिकली व्हेन वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैसेस, या गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, ऐसी अगर फेज चेंज होती है तो क्या होता है सर? हीट रिलीज और एब्जॉर्ब. एग्जैक्टली. हीट रिलीज एंड एब्जॉर्ब के एब्जॉर्ब क्यों होती है या उसकी जरूरत क्यों होती है? तो इसकी जरूरत होती है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, सो फेज चेंज के वक्त क्या होता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होते हैं एंड ये पार्टिकल जो है एटॉमिक पार्टिकल्स, ये पास में आते हैं या दूर दूर जाते हैं. ठीक है, और इन मॉलिक्यूल्स को, इन पार्टिकल्स को ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट अगर काम करना है तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी. And that energy is used in the form of heat. या उसके लिए हम heat supply करते हैं. सर आप क्या कह रहे हो फिर से एक बार बताओ. बिल्कुल ठीक है, दो चीजें पहले लिख लेते हैं फिर आगे ये जो सब बताया उसके बारे में बात करेंगे. So, ये सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग. एंड लिक्विड टू सॉलिड को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग. फ्यूजन या फ्रीजिंग. ठीक है, सिमिलरली लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन.
वेपराइजेशन, ठीक है। अब किसी ने तो एक अच्छा वर्ड यूज किया, इवेपोरेशन। क्या इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन का डिफरेंस पता है आप लोगों को? वेपराइजेशन विल ऑकर एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इवेपोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो सकता है। इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेनॉन, वेपराइजेशन या बॉइलिंग इज बल्क फेनोमेनॉन। वेपराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एग्जैक्टली, बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम कहेंगे, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन में वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जैसे सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग है, लिक्विड टू सॉलिड फ्यूजन या फ्रीजिंग है, लिक्विड टू वेपर वेपराइजेशन है, वैसे वेपर टू लिक्विड को क्या कहते हो? कंडेंसेशन। वेपर टू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। अब और एक है जो इंटरेस्टिंग है, वो क्या है? वेपर टू सॉलिड। वेपर टू सॉलिड या सॉलिड टू वेपर, उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ओके, सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। किसी का होता है क्या ऐसा? कैम्फर। कैम्फर और नेप्थलिन बॉल। नेप्थलिन बॉल और CO2 का भी ऐसा होता है, ड्राई आइस, ठीक है। सॉलिड CO2 जिसे हम कहते हैं ना, ड्राई आइस, उसका भी ऐसा होता है। ओके, गुड। सो ये सभी प्रोसेसेस आपको पता है, ये आपने पढ़ा है पहले भी, ठीक है। अब देखो, अब एक ग्राफ के थ्रू जरा इसे समझ लेते हैं। अब बाय द वे एक चीज और नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर, मतलब हमारी सभी चीजें एक पेज पर आ जाएगी। तो ये कौन से टेम्परेचर पर होता है जनरली, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड? इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट या समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट, सही है ना? यस सर। और ये कहां पर होगा? बॉइलिंग पॉइंट पर। क्या ये सभी चीजें क्लियर है सभी को? सभी को ये पूरी प्रोसेसेस पता है, अपन ने बचपन में पढ़ी है, इसलिए अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सॉलिड का। अब टिपिकली हम एक आधे सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, विच इज वॉटर, H2O, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस कौन सा है हमारा? H2O। ये अच्छा हमारे लिए इसलिए है कि इसके तीन स्टेज में हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। गैसीय स्टेट में क्या कहते हैं इसे? स्टीम या वाटर वेपर। लिक्विड स्टेट में इसे क्या कहते हैं? वाटर। सॉलिड स्टेट में इसे क्या कहते हैं? आइस। क्या सही है?
सो आइस टू वाटर ये कौन से टेम्परेचर पर होता है? नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पर. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेल्टिंग. वाटर टू वेपर 100 डिग्री सेल्सियस. इसको क्या कहेंगे? बॉइलिंग या वेपराइजेशन. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, प्रोसेस को कहा जाएगा वेपराइजेशन. आइस टू वाटर इस प्रोसेस को कहा जाएगा मेल्टिंग. सही है ना? अब इसके अपोजिट हो सकता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल होता ही है. क्या होगा इसके अपोजिट? वेपर टू वाटर कौन से टेम्परेचर पर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन. क्या कहेंगे इसे? कंडेंसेशन. ठीक है, और वाटर टू आइस ये कौन से टेम्परेचर पर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस. अब इसे कहा जाता है फ्यूजन. आया क्या में? अब इसे कहा जाता है फ्यूजन. क्या इतनी चीजें ध्यान में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल सही है. ठीक है, अब यहां से आगे जाएंगे. इस अब हमारा सवाल है, यहां से आगे जाते वक्त, क्या सर ये तीनों भी कभी साथ में हो सकते हैं क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या? आइस भी साथ में, वाटर भी साथ में, एंड वाटर वेपर भी साथ में. इज इट पॉसिबल? यस. सो यस, इट इज पॉसिबल. जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा होता है, वैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज दैट टेम्परेचर एंड दैट प्रेशर वाली कंडीशन जहां पर आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम. आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है. (273.16 K) एंड प्रेशर ऑफ 6.11 × 10⁻³ pascal. सर ये कैसे आता है एंड हाउ इज इट पॉसिबल? इसके लिए हमें थोड़ी ये प्रोसेस समझनी पड़ेगी, पर ये इंफॉर्मेशन अभी आप ध्यान में रख सकते हो. ठीक है, इन प्रोसेसेस को जरा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. जाए आगे यहां से. सो देखो, दो चीजें समझ लेते हैं, दो इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. कौन सी दो प्रोसेस है सर? एक प्रोसेस है
ठीक है, ये आइस लैब है हाँ, और यहाँ पर इस आइस लैब पर हमने इस प्रकार से ये दो वेट्स हैंग करके रखे हैं। किसी को याद आ गया क्या? ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है? यस सर। यस सर। नहीं, ये लैटेंट हीट नहीं है। रेजुलेशन। दिस इज रेजुलेशन, बिल्कुल सही है। ये रेजुलेशन है, ठीक है सर। क्या होता है रेजुलेशन? कौन बताएगा व्हाट इज रेगुलेशन? और क्यों होता है रेगुलेशन? क्या होता है और क्यों होता है? मैं भी सभी चीजें आपको साथ में बता रहा हूँ सो दैट आपको कंपैरेटिव उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। Sir, the phenomena of ice melting under pressure and refreezing with the pressure is reduced. Okay, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर होता क्या है? ये जो आइस है ना, ये आइस को हमने ये वेट लगा दिए। अब वेट जैसे ही लगा दिए, ये बहुत थीन वायर है। इस थिन वायर के नीचे वेट लगाएं तो ये वायर नीचे खींची जाएगी। जो फोर्स है वो फोर्स अलोंग दिस लाइन लगेगा। ठीक है, ये फोर्स यहां पर लगेगा। अब देखो यहाँ पर लगने वाला फोर्स बढ़ जाता है, तो अभी हमने देखा फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। सो जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब अब आइस मेल्ट या सॉलिडिफाई होगा एट -2 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, -2 के नीचे आइस रहेगा, -2 के ऊपर लिक्विड रहेगा, वाटर रहेगा। अब देखो ये पूरी आइस लैब का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये पूरे आइस लैब का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर बढ़ने से -2 डिग्री सेल्सियस पर आपको -2 डिग्री सेल्सियस पर आपको आइस मिलता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर कौन मिलेगा?
कौन मिलेगा? वाटर। तो यहाँ पर वाटर तैयार हो जाएगा। जैसे ही वाटर तैयार हो जाएगा ये वायर नीचे आ जाएगी फटाक से, ठीक है? ये वायर नीचे आ जाएगी यहाँ पर। अब जैसे ही वायर नीचे आई, इसके ऊपर वाला जो वाटर है उसके ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, फिर से एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, फिर से एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या मिलने वाला है? आइस। आइस के ऊपर फिर से आइस बन जाएगा, बट इस वायर के नीचे जो प्रेशर है इट विल बी हायर, ठीक है? वायर के नीचे का प्रेशर ज्यादा रहेगा, मतलब अब ये वायर के नीचे फिर से मेल्टिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस रहेगा, पर ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाटर। जैसे ही वाटर मिलेगा ये वायर नीचे आ जाएगी, जैसे ही वायर नीचे आ गई ऊपर का प्रेशर कम, प्रेशर कम, फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस। मतलब इंटरेस्टिंगली इस आइस से ये वायर नीचे आ गई पूरी की पूरी, फिर भी ये आइस वैसे के वैसे ही रहेगा। एंड थोड़े समय के बाद आप ऑब्जर्व करोगे ये वायर इस पूरे आइस स्लैब को कट करते हुए निकल जाती है, या इस पूरे आइस स्लैब से बाहर निकल जाती है विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? सो द प्रोसेस इन विच आइस मेल्ट्स अंडर प्रेशर एंड अगेन फ्रीजेस या अगेन सॉलिडिफाइज व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज रेजिलेशन, ठीक है? सर इसका और कहीं पर एप्लीकेशन है क्या? इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है स्केटिंग में। जब आप स्केटबोर्ड पहन के, या वो बड़ा एक सिंगल स्केटबोर्ड होता है, या आइस हॉकी के वक्त जो स्केट्स होते हैं वो यूज आप जब करते हो, तो उस केस में आपके बिल्कुल पैरों के नीचे पानी आ जाता है, क्योंकि आपका वजन वहां पर एक्ट होता है, वहां का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही वहां पर पानी आ गया, पानी ये ल्यूब्रिकेंट जैसा काम करेगा कंपेयर टू आइस, और आप आराम से उसके ऊपर चल सकते हो या स्केट कर सकते हो, ग्लाइड हो सकते हो, ठीक है? क्या ध्यान में आया क्या? प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाता है, एंड दैट्स व्हाई ये वायर इस आइस को दो पार्ट में डिवाइड किए बिना इस पूरे आइस स्लैब के थ्रू पास होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेजिलेशन। बहुत बढ़िया सर, ध्यान में आ गया। अब ये क्या है? ये आपके जान पहचान का है। कौन है ये? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, बहुत बढ़िया। क्यों दिखाया है यहाँ पर प्रेशर कुकर? बताओ क्यों दिखाया है यहाँ पर प्रेशर कुकर? ओके, क्या मुझे आप ऐसा बता सकते हो क्या घर में प्रेशर कुकर क्यों यूज करते हैं? नॉर्मल कंटेनर में खाना क्यों नहीं बनाते हैं? फटाफट बताओ। ओके, क्या किसी का घर ऐसा है जहां पर नॉर्मल बर्तन में राइस जल्दी बनता है और प्रेशर कुकर में ज्यादा समय लगता है, या उल्टा होता है? सर उल्टा होता है। क्या तो प्रेशर कुकर में जल्दी राइस बनता है? प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है, फिर भी ये बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आजकल कहने लगे हैं कि प्रेशर कुकर यूज नहीं करना चाहिए, या हमी लोग चुलीवरच जेवण चांगलं लागतं असं म्हणत फिरतो। चूल्हे पर खाना जल्दी होता है या समय लगता है? समय लगता है। समय लगता है। तो देखो दो तीन अलग अलग चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है, मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड आपको बताता हूँ ये सभी चीजें। एक ये व्हीसल होती है, ये व्हीसल जब बजती है आवाज करती है तब बाहर क्या निकलता है? स्टीम। वेपर बाहर निकलेगी, ठीक है?
अब वेपर बाहर निकली और ये आराम से निकलती है चुपचाप से या प्रेशर के अंदर निकलती है? अंडर प्रेशर निकलती है। अंडर प्रेशर निकलती है मतलब डेफिनेटली यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। और इसलिए कभी कभी आपने ऐसा भी सुना होगा कि ये व्हीसल में अगर कुछ अपने तुअर की डाल या कुछ अटक गया तो फिर व्हीसल होती नहीं है और फिर यहाँ पर एक वॉल होता है, वो मेल्ट हो जाता है और फिर अंदर प्रेशर ही डेवलप नहीं होता है। सो दिस इज एक्चुअली सेफ्टी वॉल कि इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो ये मेल्ट हो जाता है। दिस इज जस्ट लाइक फ्यूज कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर ये मेल्ट हो जाएगा फिर अंदर की स्टीम बाहर निकल जाएगी, नहीं तो आपने मतलब अपने यहाँ के जो जुगाड़ू लोग होते हैं वो यहाँ पर कुछ भी लगा देते हैं और फिर आपने कुछ इंसिडेंट सुने होंगे कि जहाँ पर प्रेशर कुकर का ब्लास्ट हो गया। सो ये क्यों होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर अपन पानी डालते हैं, जब हीट करेंगे तब ये पानी की वेपर बनेगी। अब ऑब्वियसली पानी से जब वेपर बनेगी तब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पर ये ऊपर सीटी है और ये तो रिजिड वेसल है, इसका एक्सपांशन होता नहीं है, वॉल्यूम बढ़ने से रोका तो फिर क्या बढ़ेगा? प्रेशर। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही एज द प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड थस यू विल हैव वाटर एट 110 डिग्री सेल्सियस। आया क्या ध्यान में? नॉर्मल केस में आप 110 डिग्री सेल्सियस का पानी अचीव नहीं कर सकते हो बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के केस में बॉइलिंग पॉइंट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए आपका खाना अगर चावल बन रहे हैं खुले कंटेनर में तो वहां का मैक्सिमम टेम्परेचर कैन बी 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट मोर देन दैट। बट इन केस ऑफ प्रेशर कुकर द मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज यू आर हैविंग हायर प्रेशर एट दैट पॉइंट एंड इस हायर टेम्परेचर पर खाना जल्दी पकेगा। ओके सर, अभी ध्यान में आया कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? बट अभी वो न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट वो लोग पिक्चर में आ जाते हैं, वो लोग कहते हैं ज्यादा टेम्परेचर पर खाना पकाओगे तो ये फूड की न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। तो जितने कम टेम्परेचर पर खाना पकाओगे उतनी उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा एंड उतनी उसकी टेस्ट ज्यादा, म्हणून चुलीवरच्या गोष्टी चांगल्या लागतात क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम होता है। ऐसे अपने गैस के जैसा बहुत ज्यादा टेम्परेचर चूल्हे पर जनरली नहीं मिलता है एंड वहां पर खाना ओपन कंटेनर में बनाया जाता है। अपने सब महाप्रसाद भंडारी ये सब ओपन कंटेनर में खाना बनाते हैं इसलिए वहां की वांग्याची भाजी इंटरेस्टिंग अच्छी लगती है बिकॉज वहां पर लोअर टेम्परेचर पर खाना बनता है। सो जैसे फास्ट फूड मोमेंट है वैसे यूरोप में एक स्लो फूड मोमेंट है कि आपको क्वालिटी खाना खाना है तो कम टेम्परेचर पर खाना बनाओ, समय लगे तो चलेगा। ज्यादा समय कम समय में जो खाना बनता है जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं इट इज नॉट गुड। एनीवेज क्या ये ध्यान में आया? प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यू विल हैव वाटर एट हायर टेम्परेचर और इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ओके ओके सर, अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है। इसका मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर के साथ रिलेशन है। क्या ध्यान में आया? क्या इस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर के साथ रिलेशन है? क्या मेरी बात ध्यान में आ रही है? देयर इज डेफिनेट रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो देखो इसके ग्राफ को हम फेज डायग्राम कहते हैं, इसके ग्राफ को हम फेज डायग्राम कहते हैं। कैसे ग्राफ है ये? ये इस प्रकार से ग्राफ है। यहाँ पर कौन है? प्रेशर। कौन से यूनिट में है?
atmosphere, absolute zero, ठीक है। और यहां के टेम्परेचर है 0.01, this is 374, these are temperature in degree Celsius। अब ये है लिक्विड रीजन। इस टेम्परेचर पर इस प्रेशर पर आपको लिक्विड मिलेगा, यह है वेपर रीजन, और यह है हमारा सॉलिड रीजन। इस पॉइंट को हमने कहा है ओ, इसे कहेंगे सी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो इस कंडीशन पर क्या होने वाला है, थोड़े से ऊपर के केस में सॉलिड है, नीचे वेपर है। इस पॉइंट पर क्या होने वाला है, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन। यहां पर क्या होने वाला है, लिक्विड टू सॉलिड या सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। सो देखो ओए आपका हो जाएगा सॉलिड लिक्विड, मतलब कौन सी कर्व हो जाएगी, फ्यूजन कर्व। ओसी लिक्विड वेपर, मतलब कौन सी हो जाएगी, वेपराइजेशन कर्व। और ओबी कौन सी हो जाएगी, सब्लिमेशन कर्व। और ओ क्या हो जाएगा, सर इसका मतलब क्या वाटर का भी सब्लिमेशन होता है? यस, अगर आपके प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन अचीव करते हो तो वाटर का भी सब्लिमेशन होगा। इसलिए देखो कभी कभी आपने आइस के ऊपर भी वेपर्स देखी होगी, देखी है क्या? यस यस हाँ। सो अगर इस प्रकार के प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन अचीव होती है तो यू कैन हैव सॉलिड दैट इज आइस टू वॉटर वेपर वाली कंडीशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉटर, और ये डायग्राम को कहा जाता है फेज डायग्राम। दैट इज कौन से टेम्परेचर पर कौन से प्रेशर पर आपको क्या मिलने वाला है, एंड दैट्स वाई देयर आर समथिंग कॉल्ड एज सुपर क्रिटिकल बॉयलर। सर ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होते हैं, तो यहाँ पर ना वाटर को बहुत हाई प्रेशर पर हीट करते हैं। सो ज्यादा प्रेशर है तो अभी हमने देखा प्रेशर ज्यादा रहने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर पर पानी को हीट करेंगे तो इट विल बी स्टील इन लिक्विड स्टेट, एंड जैसे ही आप फिर प्रेशर कम करोगे तो वो सडनली वाटर से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वाटर से स्टीम में चला जाएगा, वेपर के केस में कन्वर्ट होगा, तो इसका एक्सपांशन होगा तो ये बहुत स्पीड से बाहर निकलेगा, ये बहुत स्पीड से बाहर निकलेगा। क्या ध्यान में आ रहा है? और फिर वो स्पीड से निकली हुई स्टीम ये टर्बाइन को रोटेट करेगी। आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज होती है पावर प्लांट में, दिस इज सुपर क्रिटिकल बॉयलर, जहां पर 200 बार से ज्यादा प्रेशर रहता है। ओके सर, ऐसा ही कुछ फिर हमारे एलपीजी के साथ है क्या, गैस सिलेंडर के साथ, कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है इसलिए दैट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विल बी इन लिक्विड स्टेट, और जैसे ही प्रेशर कम करते हो बाहर आता है तो ये लिक्विड का क्या हो जाता है,
गैस। हाँ सर अभी ध्यान में आया, और इसलिए वो इस सिलेंडर में हायर प्रेशर में गैस रखने का फायदा ऐसा है कि कम जगह में ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस रहेगा। जैसे ही उसका गैस में कन्वर्जन हो जाएगा तो वो एक्सपांड होगा तो जगह ज्यादा लेगा। क्या ध्यान में आ रहा है? ये अपना नॉर्मल सिलेंडर, वहां पर प्रेशराइज गैस रहता है। प्रेशराइज गैस के प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही आपके रेगुलेटर के थ्रू उसका बहुत थोड़ा सा ओपनिंग आप देते हो और उसका प्रेशर कम हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से गैस के फॉर्म में, ठीक है। और फिर उस सिलेंडर से बाहर निकलता है फिर गैस। क्या ध्यान में आया क्या? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया ध्यान में आ गया। अब देखो अभी इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है? इस डायग्राम में है दीज आर आइस क्यूब और इनको हम कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, ठीक है। इस आइस क्यूब को हम कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, ठीक है। आइस क्यूब को कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, क्या होगा? जस्ट एक मिनट, डायग्राम निकालता हूं मैं। ये फ्रीजिंग मिक्सचर नाम की कोई चीज सुनी है क्या आपने? यस सर। तो ऐसे समहाउ या आपके ये रेफ्रिजरेटर में भी आप कम टेम्परेचर रख सकते हो। तो ये जो आइसक्रीम बिस्क्रीम अभी अपन खाने वाले हैं वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो अभी हमने क्या किया, इस प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस से कम वाला आइस लिया, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है, टाइम। और हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखो क्या कंडीशन है हमारे पास, ये हमारा आइस, इस आइस को हमने -20 ऐसा कुछ तो टेम्परेचर पर लाया है और अब हम इसको कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अपन इसको सप्लाई करने वाले हो और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पूरे कंटेनर को। इट्स अ ग्लास कंटेनर, सो अंदर क्या है ये हमें दिख रहा है बढ़िया से। सो शुरुआत में क्या हुआ, ये लोअर टेम्परेचर का आइस है, जैसे जैसे समय बढ़ता है ज्यादा एनर्जी हम दे रहे हैं वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इसके अंदर हमने एक थर्मामीटर को रखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर ध्यान में आ गया। सो इसके बाद क्या हो गया, फिर टेम्परेचर पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या हो रहा है, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, इंटरेस्टिंगली ये टेम्परेचर अभी चेंज होना बंद हो गया, टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। फिर क्या हुआ सर, अब ये आइस ना ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर पूरा कॉन्स्टेंट बट आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है। कब तक चालू रहा ऐसा, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। ऐसा तब तक हुआ जब तक पूरा का पूरा आइस ये पूरे के पूरे वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक। ठीक है, इस पॉइंट पर फिर क्या हुआ, फिर सर ये पूरा पानी जब बन गया ना उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर ये पूरा का पूरा पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पर और जैसे ही यह 100 पर पहुंच गया फिर से टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया।
यहाँ पर क्या था सर हमारे पास, यहाँ पर था हमारे पास वाटर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ पर पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में, और इसके बाद अगर हमने इसको बाहर जाने नहीं दिया, इसको एक मूवेबल पिस्टन के साथ कनेक्ट करके रखा, तो पिस्टन तो ऊपर जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर ही मेंटेन करेगा, पर अब इसका फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर पूरे की पूरी स्टीम है, यहाँ पर वाटर प्लस स्टीम है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर पूरा का पूरा वाटर है, यहाँ पर आइस प्लस वाटर है, और यहाँ पर सिर्फ आइस है। सो ऐसे सभी पार्ट, ऐसे सभी पार्ट जहां पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं सेंसिबल हीट वाला पार्ट। द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस रीजन या द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर, ये सभी हीट को हम सेंसिबल हीट कहते हैं। और ऐसा सभी पार्ट जहां पर फेज चेंज होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। इस पार्ट को हम कहते हैं लैटेंट हीट। यहाँ की रहेगी लैटेंट हीट ऑफ प्रोसेस, कौन सी हो रही है, आइस टू वाटर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसे हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां पर लैटेंट हीट वाले रीजन में सिर्फ फेज चेंज होगी, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसे पार्ट को कहा जाएगा लैटेंट हीट वाला पार्ट। ठीक है, कितनी वैल्यू है सर ये? सो लैटेंट हीट ऑफ दिस फ्यूजन इज 80 कैलोरीज पर ग्राम या 80 किलो कैलोरीज पर केजी, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, और फिर ये बचा वाला पार्ट क्या है? तो ये बचा वाले पार्ट को कहते हैं, दिस इज सेंसिबल हीट वाला पार्ट, जो सेंस की जाती है बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यू कैन सेंस इट, द टेम्परेचर इज चेंजिंग, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीट। ठीक है, सो सेंसिबल हीट वाला पार्ट आप एम सी डेल्टा टी से दे सकते हो। वाइल लैटेंट हीट वाला पार्ट, यहां पर तो टेम्परेचर चेंज नहीं है, तो ये एम इंटू लैटेंट हीट से दे सकते हो। क्या ध्यान में आया क्या? तो ऑब्वियसली सर, जब आइस से वाटर बनेगा, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट एब्सॉर्ब होगी। इसके एग्जैक्टली अपोजिट, वाटर से आइस जब बनेगा तब हमें हीट निकालनी पड़ती है। हीट निकालने का काम हमारे रेफ्रिजरेटर में होता है। स्टीम टू वाटर कंडेंसेशन की प्रोसेस है, इसलिए कंडेंसेशन के लिए आपको बाहर से ठंडा पानी लेकर जाना पड़ता है कि वो ठंडा पानी हीट निकाल लेगा।
तो जहां पर फेज चेंज होती है विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज फ्यूजन और वेपराइजेशन आप उसे उस प्रकार से नाम दोगे और जहां पर फेज चेंज ना होते हुए सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीट.